खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले आईएमए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, कुकुर मुत्ते की तरह खुलते जा रहे प्राइवेट नर्सिंग होम मरीजों का कर रहे शोषण। झोलाझाप डॉक्टरों के खिलाफ आईएमए सुप्रीम कोर्ट में कर चुका है अपील। सरकार के मानक के अनुसार ऑपरेशन की फीस अभी तक अपमार्क नहीं है। यूपी आईएमए के वार्षिक अधिवेशन में अनिल ने किया है पदभार ग्रहण। संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, आईएमए यूपी अध्यक्ष। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने की सरकार से की मांग। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को चुनाव के बाद मिला है आईएमए अध्यक्ष का चार्ज। चिकित्सीय विधा का नहीं, खिचड़ी तंत्र का विरोध करता है आईएमए डॉक्टर अनिल। देखिए, इसमें आयुष्मान भारत की स्कीम चल रही, जिसमें कि जो उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है ऑपरेशन के चार्जेस, वो अब मार्क नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे चिकित्सक उनको सेवाएं अपनी दे रहे हैं। रही बात इसकी कि जो आपने शोषण एक शब्द का इस्तेमाल ज़रूर किया, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मशरूम ग्रोथ, जिसको कहते हैं कुकुरमुत्ता की तरह एक वृद्धि हो गई है तमाम नर्सिंग होमों की और तमाम सारी चीज़ों की। इस पर हम लोगों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील किया कि झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं उन पर लगाम लगाई जाए, लेकिन बजाय उन पर लगाम लगाए जाने के हम लोगों के ऊपर तमाम सारी चीज़ें लाद दी गई। सारे रजिस्ट्रेशन के जितने भी पैराफर्नेलिया होता है उसको हमसे उम्मीद की जाने लगी और हमसे करवाया जा रहा है। मैं आपको ये एक बात बता दूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी हमारे यहाँ स्थानीय सदस्य हैं या जो जहाँ भी हैं सदस्य, वो पूरे प्रदेश में उन्होंने सरकार के अपेक्षा के मुताबिक जो भी सरकार ने कहा है हम उसको पूरी तरह से पूरी कर रहे हैं, उनको उसी के मुताबिक हम अपना कार्य कर रहे हैं और अंडर सीएमओ हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है।